हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। तो पहले तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों को हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली के अवसर पर मैं लेकर आई एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली मिठाई, जिसको आप बनाएंगे बिना गैस जलाए। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिए 1 कप अखरोट की गिरी। तो ये आपको मार्केट में किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगी, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और अखरोट के तो अपने ही काफ़ी हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं। अखरोट जो होता है स्पेशली हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये हमारे हेयर स्किन सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम अखरोट को डाल देंगे एक मिक्सी जार में, और अब लगा देंगे हम इसकी लीड, और एकदम फाइन पाउडर हम इसका बना के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भी दरदरा हमें इसको नहीं रखना है, एकदम फाइन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, एकदम फाइन पाउडर इसका हमने बना के तैयार कर लिया है। और इसका पाउडर बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 2 से 3 बार आप मिक्सी चलाएंगे उतने में आपका ये फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पिसी हुई शक्कर और आधी कटोरी मिल्क पाउडर। इसी के साथ हम डाल देंगे 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर डालने से किसी भी मिठाई का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, तो आप एक बार डाल के ज़रूर देखें। अब हम इसकी लिड लगा देंगे और सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे, ताकि सभी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हम चाहते तो शक्कर को और मिल्क पाउडर को अलग से भी बाउल में डाल के मिक्स कर सकते थे अखरोट के साथ, बट जार में डालने से क्या होता है कि सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो गई हैं। यहाँ पे देखिए, कितना एकदम स्मूथ हमारा ये मिक्सचर बनके तैयार हुआ। अब हम डाल देंगे इसको एक बाउल में। अब यहाँ पे हमने सारे मिक्सचर को जो एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घर की फ्रेश मलाई, और अच्छे से इसमें एक बाइंडिंग आ जाएगी मलाई डालने का। तो आपका जितना भी मिक्सचर आप उसके हिसाब से मलाई डालें, वरना तो जो आपका डो है बहुत गीला हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ नारियल, और इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सभी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली। तो यहाँ पे ये हमारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, हाथ पे इस तरीके से एक मुट्ठी बनने लगी, एकदम डो फॉर्म में ये हमारा आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इतना टाइट रखना है, ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। अगर आप मलाई इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो ये लूज़ भी हो सकता है, क्योंकि अखरोट में अपना ही एक ऑयल होता है, तो इसलिए उस हिसाब से हमें मलाई डालनी है। तो इस तरीके से मैं इसका एक पेड़ा सा बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने ले लिया एक फॉइल पेपर। अब इसके ऊपर मैं एक रोल बनाते हुए उस मिक्सचर का इस तरीके से रख लूंगी, और अच्छे से इसको अब हम फैला लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम हाथ की हेल्प से अच्छे से इसको बढ़ाते जाएंगे, और अच्छे से इसको साइडों से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे। और आपको यहाँ पे इसके क्रैक्स भी दिखाई दे रहे होंगे, बट जब इसको हम कवर करेंगे फॉइल पेपर से तो सारे क्रैक्स इसके खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी ऊपर से तिल थोड़े से। आप तिल की जगह पे चाहें तो डेसिकेटेड नारियल यानी कि नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। अब इस तरीके से हम फॉइल को उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से हम कवर कर देंगे। और देखिए किस तरीके से मैं रोल को इस तरीके से साथ के साथ अच्छे से एक शेप भी देती जा रही हूँ, ताकि जो रोल की शेप खराब ना हो। अब फिर से हम इसको एक फोल्ड कर देंगे। और जो ये काम है आपको बहुत ही केयरफुली करना है, जिससे कि आपका रोल खराब ना हो जाए या टूट ना जाए। तो इस तरीके से मैं इसको 2 से 3 बार फॉइल में रैप कर दूंगी, और इसकी अच्छी सी एक शेप साथ के साथ मेंटेन करते जाएंगे, और साइडों से भी हम इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। और यहाँ पे देखिए, हल्के हाथों से मैं इसको इस तरीके से प्रेस करती जा रही हूँ, ताकि इसकी जो शेप है बिल्कुल भी खराब ना हो। तो यहाँ पे हमारा पहला जो रोल है वो बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं दूसरा रोल भी बना के तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पे हमारे दोनों जो रोल हैं बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे रोल जो हमारे बन के तैयार हो गए। दोनों को मैंने कवर कर दिया फॉइल पेपर। अब इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। तो यहाँ पे करीबन आधा घंटा हो चुका था, और इनको मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से, और यहाँ पे बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो चलिए अब इनका हम फॉइल पेपर निकाल लेते हैं बहुत ही सावधानी से। अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप इसको 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए, उससे ही बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। और फॉइल पेपर निकालते टाइम हमें जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आपने जल्दबाजी की तो आपकी जल्दबाजी में आपका रोल खराब हो सकता है या फिर टूट भी सकता है। तो बहुत ही सावधानी से हमें इनको बाहर निकालना है।
तो यहाँ पे बहुत ही सावधानी से मैंने दोनों रोल्स को निकाल के तैयार कर लिया है। अब हम ले लेंगे एक चाकू। पहले मैं साइड से थोड़ा इसको कट कर दूंगी ताकि इसमें एक फिनिशिंग लुक आए। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। आप अपने पसंद से कैसे भी पीसेस में इनको कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े पीसेस में। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं छोटे छोटे से पीसेस में इनको कट कर ले रही हूँ। और देखिए यहाँ पे कट करने से आपको पता लग रहा होगा ये जो रोल है हमारे कितने स्मूथ बन के तैयार हुए, एकदम सॉफ्ट। तो यहाँ पर देखिए दोनों रोल्स को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप अपने अनुसार जैसा भी चाहे इनको कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े पीसेस में। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया हमारे रोल्स का। मैं आपको नजदीक से भी दिखा देती हूँ हाथ पे लेकर। तो है ना कितनी परफेक्ट मिठाई, वो भी बिना गैस जलाए और बहुत ही कम सामान में और बहुत ही कम मेहनत में। तो आप भी इस तरीके से बहुत ही कम मेहनत में ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो दिवाली वाला दिया वो भी जलकर हो गया है तैयार, और साथ में हमारी दिवाली स्पेशल मिठाई जो कि हमने बनाई है बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम सामान के साथ, और इसको हमने बनाया बिना गैस जलाए। तो यहाँ पर मेरी तो सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं दिवाली सेलिब्रेट करने की। आप ये दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट करें मेरे साथ जरूर शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये यूनिक मिठाई या फिर रोल जो भी आप कहें कैसे लगे। और यहाँ पर मैं यही विश करना चाहती हूँ कि ये दिवाली हम सभी की लाइफ में अच्छे से खुशियाँ लेकर आए, और इस जगमगाते हुए दीपक की तरह हमारी लाइफ में से अंधकार दूर करें और खुशियों का प्रकाश हमारी लाइफ में भर दें। और इसी तरीके से आप अच्छे से ये दिवाली सेलिब्रेट करें लेकिन विदाउट क्रैकर्स, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हंसते मुस्कुराते। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी ये मिठाई रोल पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ पर एक रोल मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितना स्मूथ एकदम सॉफ्ट ये रोल हमारा बनके तैयार हुआ था, जो कि मुंह में ही डालते एकदम घुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तोड़ने से ही पता लग रहा है कि यह हमारा अखरोट रोल कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है, जो कि बच्चों को भी पसंद आने वाला है और बड़ों को भी पसंद आने वाला है। और वैसे भी यह अखरोट रोल, और अखरोट तो हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छे होते हैं, और अखरोट को हमें अपनी डाइट में ज़रूर यूज़ भी करना चाहिए किसी भी तरीके से। और एक बार सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी मेरे साथ भी अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें। और इसी के साथ अगर आपको मेरा ये अखरोट मिठाई रोल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स से भी शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।